खबरिया बड़ी से जहरिया बड़ी उपखंड क्षेत्र के ग्राम लुंगिया में देर रात और बजरी परिवहनकर्ता और बजरी रॉयलिटी कर्मचारियों के बीच में हुई मारपीट। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी भाटा सरिया से किया हमला। इस हमले में 3 से 4 लोग हुए घायल। वहीं बजरी रॉयलिटी कर्मचारियों के वाहनों को दूसरे पक्ष ने की तोड़फोड़। देर रात हुई इस घटना से लुंगिया सहित रियाबड़ी क्षेत्र में फैली दहशत। वहीं सूचना पाकर थामला थाना पुलिस पादुकला थाना पुलिस पहुंची। मौके पर मौका मुआयना कर अवैध बजरी परिवहन करते ट्रक चालक व मारपीट के आरोपियों को किया गिरफ्तार। ग्रामीणों व आरएलपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर ग्राम लुंगिया में रात्रि में हुई घटना के विरोध में उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को 4 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा व तहसीलदार महेश कुमार शेषमा, गोटन माइनिंग सर्वेयर सतीश सिंह चौहान, डेगाना पुलिस उपाधीक्षक नंदलाल सैनी, डेगाना सीआई सुखाराम चोटिया, थावला थानाधिकारी हीरालाल वर्मा, पादुकला थानाधिकारी सुमन चौधरी ने उपस्थित ग्रामीणों व आरएलपी कर्ताओं के साथ बैठक कर समझाया। इसकी 4 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया। डेगाना पुलिस उपाधीक्षक नंदलाल सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात लुंगिया ग्राम में बजरी रॉयलिटी कर्मचारियों व बजरी परिवहन कर रहे लोगों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में रॉयलिटी मालिकों के वाहनों को तोड़ा गया। दोनों पक्षों में आपस में पत्थरबाजी हुई। इसके संबंधित में 3 मुकदमे दर्ज किए गए। पादुकला थाने में ट्रक मालिक द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया। वहीं 2 मुकदमे थावला थाना पुलिस में दर्ज करवाए गए, जिसमें 3ACST Act का रॉयलिटी ठेकेदारों के आदमियों के खिलाफ दर्ज कराया गया। वहीं रॉयलिटी ठेकेदार ने ग्रामीणों के खिलाफ करवाया मामला दर्ज। इस दौरान रालोपा के विजयपाल राव, रानेश रामदेव खालिया सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कल रात्रि को रॉयलिटी ठेकेदार और बजरी निकालने वाले कुछ लोगों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ था। एक पक्ष ने गाड़ियां तोड़ दी थी रॉयलिटी मालिकों की और दूसरे पक्ष ने पत्थर फेंके। आपस में पत्थरबाजी हुई दोनों साइडों से। इसके संबंध में 3 अभियोग दर्ज किए गए। 1 पादुकला में ट्रक मालिक द्वारा कराए गए और 2 थावड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए हैं, जिसमें 3ACST Act का रॉयल्टी ठेकेदारों के आदमियों के खिलाफ कराया गया। रॉयल्टी ठेकेदारों द्वारा ग्रामवासियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।